नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। अपने निराले अंदाज के कारण बिहारी नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर लालू प्रसाद यादव इन दिनों अस्वस्थ हैं और दिल्ली स्थित एम्स में उनका इलाज चल रहा है। लालू यादव के हास्य विनोद से उनके विरोधियों के चेहरे पर भी मुस्कान झलक जाते थे। लालू यादव ने अपनी राजनीतिक शैली से देश के कई बड़े नेताओं को प्रभावित किया है। लालू यादव के जीवन से जुड़ी कई दिलचस्प किस्से हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। लालू यादव का अंदाज उन्हें खास पहचान दिलाता है। उनका हुलिया इस तरह का होता है जिससे लोगों को लगता है कि वो उन्हीं के जैसे हैं और उन्हीं के बीच के रहने वाले हैं। नेताओं से लेकर आम लोगों तक सभी लालू प्रसाद यादव के बोलने के अंदाज के कायल हैं। अपने ठेठ देहाती अंदाज में लालू यादव आम लोगों से जुड़े रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको लालू यादव के जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प किस्से बताएंगे। हाल ही में प्रकाशित हुई जयंत जिज्ञासु की किताब द किंग मेकर, लालू प्रसाद यादव की अनकही दास्तां। इस किताब में लालू यादव के जीवन से जुड़ी कई प्रसंगों का जिक्र है। लालू यादव के हेयर स्टाइल को लेकर मजाक उड़ाने वालों को लेकर वो कहते हैं, हम लड़की नहीं है ना, हम शुरू से छोटे बाल रखते हैं, हमारा बाल खड़ा रहता है, कहिएगा कि सूतो तो खड़ा, हम ना कंघी रखते हैं और ना अपना मुंह देखते हैं आईना में। लालू के अनुसार बाल खड़ा रहने से माथा खुजलाता है और गर्दन में दर्द रहता है। किताब में लालू यादव आगे कहते हैं, बाल छोटा होने से मैं अपने हाथ से ही कंघी का काम कर लेता हूँ, थोड़ा इसको ठोक ठाक के बच्चों की तरह सुला देता हूँ कि सूते रहो, बड़ा बाल रखने से कोई भी उसको पकड़ के दुई मुक्का मार सकता है, छोटा बाल रखने से हाथ में बधाएगा नहीं। आपको बता दें कि जयंत की किताब में एक प्रसंग का जिक्र है जब उन्होंने दरोगा की नौकरी के लिए पैरवी कराने आए एक सज्जन को कहा था कि तुम थाना का दरोगा बनना चाहते हो, बिहार का दरोगा बनो, और उन्हें चुनाव लड़ने की सलाह दी। उन सज्जन के पास पैसे नहीं थे तो उन्हें 125,000 रुपए चुनाव लड़ने के लिए भी दिए। संजोग से वे चुनाव जीत गए। ये कोई और नहीं बल्कि सुरेश पासवान थे। उस चुनाव में खर्च होने के बाद 25,000 रुपए बच गए तो वो उसे लालू यादव के पास लौटाने पहुंच गए। कहा कि आपकी अमानत है। इस पर लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इसे अपने पास रखो, तुम्हारे काम आएंगे। पासवान कहते हैं कि 1997 में राबड़ी देवी की जब सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया। पत्थर तोड़ने वाली भगवती देवी को लालू प्रसाद यादव ने ही चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। बता दें कि ऐसे कई अनकही दास्तां हैं जिन्हें कम लोग ही जानते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपने प्रतिद्वंदी रहे जगन्नाथ मिश्र की मौजूदगी में एक बार अपने हास्य बोध का मुजाहिरा करते हुए कहा कि मिश्रा जी ने बड़े अरमान से उड़न खटोला खरीदा था मगर चढ़ के हम बिहार घूमे, यही तो डेमोक्रेसी है। जब विरोधी कहते थे कि लालू यादव को उखाड़ के फेंक देंगे तो अपनी सभाओं में लालू यादव जनता से कहते थे, चक डोले चक डंबा डोले, ठूठा पीपर कभी न डोले। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे शिवानंद तिवारी कुछ समय के लिए उनके विरोधी बन गए थे। शिवानंद तिवारी बताते हैं कि चारा घोटाले का मामला हुआ था, उसमें आंदोलनकर्ताओं में हम भी थे। लड़ाई जम के हुई, लालू यादव को मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा और जेल जाना पड़ा। शिवानंद तिवारी आगे बताते हैं कि सुबह का वक्त था, हम चाय और अखबार लेकर बैठे थे, तभी जेल से निकलने के दूसरे दिन ही लालू यादव ने मुझे फोन करके कहा कि बाबा प्रणाम। तो ये लालू प्रसाद यादव के जीवन से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से हैं जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।